तरीके से लोगों में जो है जुनून है और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से, आप देख सकते हैं। ये क्यों लेके आए सर, गैस लेके क्यों आए आप भाई? सस्ता ये राजस्थान में सस्ता हो गया, हम चाह रहे पूरे हिंदुस्तान में सस्ता हो जाए। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, हम चाहते हैं राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री देश का, तो इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं। तो लगता है राहुल गांधी जो है गैस सिलेंडर ये सब जो महंगाई बढ़ रही है इसको कम कर पाएंगे? भैया राजस्थान में नहीं करी, हिमाचल में नहीं करी, अब इससे फर्क पड़ रहा है लोगों को, हर इंसान परेशान है। कांग्रेस ने वादा करा कि राजस्थान में हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे हम राजस्थान में, कांग्रेस ने घोषणा पत्र करी है अभी। और अगर अगर हमारी कांग्रेस सरकार दोबारा से देश के अंदर आती है तो हम पहले जैसा रेट कर देंगे हर चीज का जैसे पहले था। ये इस लक्ष्य कदम पर राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का बहुत जनसंपर्क मिल रहा है हमें। मोदी जी पे भरोसा नहीं? मोदी जी तो बेक कर खा रहे जी, युवा बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई इतनी हो रही है, क्राइम इतना बढ़ा हुआ है देश के अंदर, बहुत ज्यादा महंगाई हो रखी है। इसलिए भैया युवा को पकौड़ा देने की उन्होंने सलाह दी थी, पकौड़ा देने की, और आज बिना एक्सरसाइज करे युवाओं के ऐप्स बन रहे हैं, भुखमरी के ऐप्स है वो, पहले एक्सरसाइज कर ऐप्स बनाए जाते थे, अब भुखमरी के ऐप्स बन रहे हो, भुखमरी के ऐप्स बन रहे वो, पहले एक्सरसाइज कर ऐप्स बनाते थे गरीब इंसान जो था, अब भुखमरी से मर रहा है बेचारा। कि हम फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं सारे, गैस सिलेंडर हमें रोजगार मिल जाए, हम मेहनत करके खुद वो कर लेंगे, जो महंगाई इतनी हो। फ्री में गैस सिलेंडर देने की बात की गई थी आप लोगों को? नहीं भैया नहीं। ये गैस सिलेंडर जो लेके जा रहे हैं आप, निकल रहे हैं रास्ते में, इससे आप जो है क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भैया लोगों को चलो सस्ता दे, गैस तो महंगी कर दी ना उन्होंने, तो पहले वसूल कर लिया सारा, ये बताओ अब करेगा क्या गरीब इंसान? ये 1100 रुपए का सिलेंडर हो रहा, अब 500 का भी होता तो इंसान थोड़ा बजट तो बना ही लेता, महंगाई इतनी बहुत ज्यादा हो गई, कमाते हम 10,000 है, खर्चा 20,000 का, 80 रुपए का तेल था वो 220 रुपए तेल हो रहा है, पेट्रोल की कीमत इतनी हो रही है, 80-85 रुपए CNG का भाव हो गया देश के अंदर, हर तरफ से गरीब आदमी परेशान है। आगे क्या मतलब क्या लगता है कि 2024 में ये यात्रा जो आगे बढ़ रही है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? बहुत पड़ने वाला है भैया, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने क्यों चुनेंगे राहुल गांधी को लोग? क्यों, युवा नेता है हमारा, झूठ नहीं बोलता, कम बोलता काम ज्यादा करते, कम बोलते काम ज्यादा करते। हाँ क्या काम करते हैं भैया? करा नहीं क्या कांग्रेस के राज में सारी सस्ताई थी, अब तो महंगाई हो गई। क्या सस्ताई करते है? क्या सस्ताई, पहले सारा ही सस्ता था, हम 15 हफ्ते भर कमा लेते थे, 15 दिन खा लेते थे, अब पूरा महीना भर कमाओ तो और परेशान वो रहती है कि आगे क्या होगा, क्यों डर लगा रहता है मोदी, जब मर्जी तो लॉकडाउन लगा देता है, जब मर्जी मोदी जी का डंका बजता है देश दुनिया में, कहेगा मोदी जी का काम किया तो अपना बजवा कर आते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो अपना पूरा काफिला लेकर जाते हैं और बाहर जाकर ढोल नगाड़े बजवाते हैं और कहते हैं मेरा ये हुआ वो हुआ। गरीब आदमी तो परेशान है ना आज, क्या परेशान है, महंगाई से, रोजगार से, हर चीज से परेशान है, जब तो रोड पे निकले हम सारे जुड़े राहुल गांधी जी की टीम में, वो तो कह रहे कि कुछ नहीं होने वाला इस यात्रा से, होने वाला भैया सब कुछ होने वाला है, ये सरकार डर गई है, डर गई बीजेपी, या क्या डर गई, डर गई है, इसलिए उन्होंने अब द्वार से कोरोना का बहाना बनाया यात्रा को रोकने के लिए, यात्रा को रोकना हाँ, ये यात्रा रुकेगी नहीं, किसी उससे नहीं रुकेगी यात्रा, है ये जनता की यात्रा है और जनता का विश्वास पाने के बाद ही खत्म होगी। ये गरीबों के हित में मोदी जी काम कोई हित में काम नहीं कर रहे भाई, काम नहीं, आप करोड़पतियों के लिए काम कर रहे हैं ये मोदी, अंबानी अडानियों का काम, किसके लिए? अंबानी अडानियों का काम हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, अडानी और अंबानी बस, वो तो कह रहे हैं हम तो देश के सभी लोगों के लिए काम, उनका जो एक ही वो है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो मतलब, मतलब अंबानी और अडानी, अमित शाह और वो मोदी जी, मोदी जी और अडानी और अंबानी, हाँ जी वो तो कह रहे हैं सबको हम सबका साथ सबका विकास, कुछ भी नहीं है ये, वो तो गरीबी को हटाने नहीं, गरीबों को हटाने आए एकदम ही, ना रहेगा गरीब वो तो एकदम गरीबों को हटाने आए हैं, गरीबों को हटाने, हाँ जी आपको क्यों लगता है कि गरीबों को हटाने आए? हेलो आज देश के अंदर बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी हो रही है, जो कांग्रेस ने 75 साल में सुई से लेकर जहाज तक बनाया उन्होंने 8 साल में क्या बनाया, कांग्रेस ने 75 साल में 415 रुपये का सिलेंडर दिया 70 साल में, इन्होंने मात्र 8 साल में ऐसा क्या हो गया कि 1053 का सिलेंडर हो गया, वो
बनाने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं 70 साल लूटा है। गलत बात, झूठ बोल रहा, 15 लाख दे रहा था, कहाँ घुस गए 15 लाख? लोगों को इतना चूतिया बना के वोट ले लिया, ये बताओ, पागल बना के वोट, पागल बना के लिया, झूठ, सबसे बड़ा झूठा देश का प्रधानमंत्री है, झूठे देश से, फिर और क्या, क्या झूठ बोले भाई, लालच दे के तो वोट लिया, इतने इतने लंबी लंबी फेंक देते, बस उन्हें सिर्फ भाषण देने वो आता है बस, क्योंकि कान में लगा रहा था उनके, पीछे से आकर वो बकते रहते बस। कान में क्या लगा रहा था? माइक लगा रहा था उनके, और क्या, आप देश के प्रधानमंत्री को कह रहे कि झूठ बोलता है प्रधानमंत्री, वाकई में झूठ बोलते हैं, उनसे ज्यादा बड़ा झूठ कोई बोलता ही नहीं भाई साहब। हाँ बोलिए, आपको सही लग रहा है? देश के अंदर कहाँ गए 2 करोड़ नौजवान जिनको रोजगार देना था, कहाँ गए 15 लाख? और महंगाई आसमान छू रहे हैं, और आज टैक्स आप देखो, दही पे, दूध पे टैक्स लग रहा है, तो क्या 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 झूठ, कपड़े पे, किताब पे, पेंसिल पे, यदि किस देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो निश्चित रूप से वो घर के जो भी घर के सामान होता है उस पर टैक्स नहीं लगाता, पढ़ाई पर टैक्स नहीं लगाता। आप मानते कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है? क्या पढ़ा लिखा है, इस तरीके से टैक्स लगाएगा तो क्या पढ़ा लिखा है बताओ ना। डिग्रिया उन्होंने कैमरे पे दिखाई थी महाराज, वो आपने भी कहा कई बार फर्जी डिग्रियां हैं, जब उन्होंने पढ़ाई की डिग्री दिखा रहे हैं तो वहाँ कॉलेज ही नहीं है, और जब दिखा रहे हैं, जब अभी प्रधानमंत्री बने उसके बाद के दिखा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमने पूरा देश के लिए जो है परिवार त्याग दिया, 18 घंटे काम करते हैं। ये तो परिवार त्यागना, उन्होंने क्यों त्यागा ये तो आपको भी पता है, जब आदमी किसी काबिल नहीं रहता है तो परिवार को त्यागता है, नहीं तो परिवार को पालने की क्षमता रखता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है राहुल गांधी का काफिला जो है पीछे से आ रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं जो है गुस्सा है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है 2024 में सरकार को बदलने का काम करेंगे। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।